जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज 1 जून की सबसे शानदार बढ़िया खबर जो निकल के आ रही है विद्यार्थियों के हित में, जो खबर निकल के आ रही है वो आपके सामने लेके आया हूँ। अभी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मीटिंग हुई थी शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है, रद्द कर दी है। छात्रों की सेहत पहली प्राथमिकता, पीएम मोदी ने कही ये बात, और परीक्षा के लिए छात्रों पर दबाव नहीं बना सकते, ये बात भी पीएम ने बोली है। आपको बता दूं 12वीं CBSE बोर्ड की जो थी परीक्षा वो पहले करवाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में CBSE बोर्ड की प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मीटिंग की है तो मीटिंग में उन्होंने रद्द कर दी है 12वीं की परीक्षा। जी हाँ, ये आज शाम का ट्वीट है, देखिए 7:30 का ट्वीट है, तो उन्होंने 12वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोर्ड की परीक्षा 12वीं की तरह CBSE की रद्द कर चुकी है, 10वीं पहले ही रद्द थी, मीन CBSE ने दोनों बोर्ड परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी है। अब बात रह गई है RBSE की। जी हाँ, अब आवाज़ जो है वो RBSE बोर्ड के भी में भी कैंसिल करने की परीक्षाएं तेज़ हो जाएगी। इस बारे में अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी से चर्चा अनुसार कल कैबिनेट की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं का लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। जी कल जो है वो अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, बोर्ड परीक्षाएं आपकी होंगी या नहीं होंगी, ये कल की बात है। आपकी 10वीं और 12वीं की RBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन पर निर्णय जो है वो कल निर्णय आ जाएगा। कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। तो हम तो आशा करेंगे कि CBSE की तरह हमारी परीक्षाएँ जो है RBSE बोर्ड की वो भी रद्द करें, क्योंकि परीक्षाओं से ज़्यादा जरूरी है वो बच्चों की सेहत भी है, और वर्तमान हालात जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है, परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं है। तो आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल पर सब्सक्रिप्शन भी ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।